गुड आफ्टरनून एवरी वन माई इज शिवानी इन टू डेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द नेक्स्ट टॉपिक हो पीडियटिक नर्सिंग फर्स्ट यूनिट दैट इज इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज जिसमें हम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस भी बोलते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज ए नॉन पोलिटिकल नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ह्यूमटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो रेड क्रॉस है वो एक नॉन पोलिटिकल नॉन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ह्यूमटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड बाई ए स्विस बिजनेसमैन हैनरी ड्यूनट ऑन सेवनटीन फरवरी एटीन सिक्सटी थ्री जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है वो फाउंड की गई थी स्विस बिजनेस मैन हैनरी ड्यूनट के द्वारा और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कैसे बनी थी जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हैंनरी ड्यून ने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर रहे हैं और बड़े सारे लोगों को लग रही है और उनको ट्रीट करने के लिए कोई भी उस टाइम पे डॉक्टर नर्स कुछ भी नहीं था तो फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई एक सोसाइटी होनी चाहिए कि जो इस टाइम पर जो है केयर कर सके और ट्रीटमेंट कर सके उन्होंने जो भी सिचुएशन जो वहाँ पर देखी थी वो एक बुक में लिख दी और उन्होंने ये भी लिखा कि एक सोसाइटी होनी चाहिए फिर क्या हुआ कि जो स्विट्ज़रलैंड जिनेवा की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है वो परमिशन दे दी फिर जो है वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो बनी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है नेक्स्ट इज द इंडियन रेड क्रॉस वॉज इस्टैब्लिश इन 1920 ट्वेंटी न्यू डेली इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टिश हुई नाइनटीन में न्यू दिल्ली में जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के अंडर ही आती है नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एट्थ मई ऑफ एवरी ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो एट्थ मई को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हैनरी डूनट का बर्थ जो है वो एट मई को हुआ था इसलिए जो है वो एट मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है एवरी ईयर नेक्स्ट इज मोर देन नाइनटी कंट्रीज और इट्स मैंबर्स मोर देन नाइन्टी कंट्रीज जो है वो इसकी मैंबर्स हैं नेक्स्ट इज रेड क्रॉस ऑफर्स एंड रिहेबिलटेज सर्विस इज नॉट ओनली टू वॉन्टेड इन वॉर बट ऑल्सो लेटर एक्सटेंड टू द पीपल अफेक्टेड इन अर्थक्वेक फ्लड एंड अदर नेचुरल और मैन मेड क्लाइमेटीज रेड क्रॉस जो है वॉर में तो हेल्प करती ही करती है बट कभी अगर अर्थक्वेक आ जाए फ्लड आ जाए जहाँ कोई और नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाए जहाँ मैन मेड डिज़ास्टर्स की सिचुएशन में भी हेल्प करती है लोगों की उनको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है उनका ट्रीटमेंट करती है और उनकी केयर करती।, करती है नेक्स्ट इज हेल्थ हेल्प्स एंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है नेशंस में फर्स्ट इज़ फर्स्ट एड फर्स्ट एड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सभी नेशंस को एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट एंड हॉस्पिटल केयर मदर एंड चाइल्ड केयर वैक्सीनेशन ब्लड डोनेशन ड्रग एंड इक्विपमेंट सप्लाई स्ट्रेंथन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये सारी जो है हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो नेशंस को प्रोवाइड करती है नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है रेड क्रॉस के इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करनी है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डिजीज की प्रिवेंशन करनी है मिटिगेशन ऑफ सफरिंग इंजरीज हो रही हैं उनकी रिडक्शन करनी है नेक्स्ट इज सेवन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रेड क्रॉस फर्स्ट है ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी में क्या है जब भी अगर कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाए वॉर हो रही हो या मैन में डिजास्टर आ जाए तो उस टाइम पे ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना है ये नहीं देखना है कि ये किस रिलीजन का है किस कास्ट का है उस टाइम पे ओनली एक ही चीज़ याद रखनी है वो क्या है वी ऑल आर ह्यूमन बंग और ह्यूमैनिटी को जो है वो प्रायोरिटी देनी है नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इम्पारशलिटी इम्पारशलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल अगर कोई सीवियर है तो उसको हमने पहले ट्रीटमेंट देना है और जिसको ट्रीटमेंट की नीड कम है उसको बाद में देना है हमने प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीटमेंट देना है ये नहीं देखना है कि इसका कास्ट क्या है इसकी रिलीजन क्या है हमें इम्पारशली होके रहना है और पार्शलिटी नहीं करनी है नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ न्यूट्रैलिटी न्यूट्रैलिटी में क्या है कि आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर इन्वॉल्व नहीं होना है इस तरह की सिचुएशन में जहाँ फिर किसी की भी साइड नहीं लेनी है आपका एम जो है कि आपको किसी भी तरफ नहीं होना है न्यूट्रल रहना है ताकि आप किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें और आप अपना मेजर जो गोल है उसको फुलफिल कर सके इस तरह की कंडीशंस में नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी में क्या है जहाँ पर किसी भी कंट्री के जो लॉज हैं उनको जो है वो मेंटेन करके रखना है उनको बनाए रखना है किसी भी तरह की कंडीशंस में नेक्स्ट इज वलेंट्री सर्विसेज वॉलेंट्री सर्विसेज में क्या है इनका जो मेन मोटिव है वो है नेशंस की हेल्प करना और इसके पीछे इनका कोई भी बेनिफिट नहीं होता है द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी यूनिटी मीन्स इक्वालिटी किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा रेड क्रॉस सोसाइटी नहीं होनी चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज़ universality. Universality means इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं सभी में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्रिंसिपल हैं वो सेम होने चाहिए जिससे कि ये यूनिवर्सलिटी जो, वो FAO, जो है वो मेंटेन रखेगी अपनी हर कंट्री में एंड द नेक्स्ट इज़ एफ ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश इन सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन फोटी फाइव जो एफ ए ओ है वो इस्टैब्लिश हुई थी सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन फोटी फाइव में हेड क्वार्टर इन रोम इटली नेक्स्ट इज़ इट हैज़ वन नाइन्टी वन मैंबर नेशन इसके जो मैंबर कंट्रीज हैं वो वन नाइन्टी वन हैं क्या हैं एफ़ ए की टू हेल्प नेशन टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड एफ ए क्या करता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है नेशन का उसको जो है वो रेज करता है नेक्स्ट इज़ टू हेल्प टू इम्प्रूव फार्मिंग फॉरेस्ट्री एंड फिशरी प्रैक्टिस ये हेल्प करता है नेशंस की कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी फार्मिंग फॉरेस्ट्री और फिशरी प्रैक्टिस नेक्स्ट इज़ इंश्योरिंग न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल ये क्या करता है इंश्योर करता है कि सभी को न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी जो है वो मिले नेक्स्ट इज़ एफ इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इन सभी चीज़ों के साथ साथ एफ ए जो है वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन भी है नेक्स्ट इज जो एफ ए है वो चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या करती है वो क्या करती है आई एल ओ एंड एफ ए वर्किंग टूगैदर टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर एंड फिशरीज आई एल ओ क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक जो है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है जो एफ है वो आई के साथ मिलकर प्रिवेंट करती है चाइल्ड लेबर को इन एग्रीकल्चर एंड फिशरी डिपार्टमेंट्स में दैट्स ऑल आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है जाके उसको भी देखो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल